दोस्तों आपके व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, आप परेशान हो, टेंशन ले रहे हो कि यार पता नहीं थंबनेल में मसला है, वीडियो में मसला है, टाइटल में मसला है, हैशटैग में मसला है, टैग्स में मसला है, डिस्क्रिप्शन में मसला है, मुझ में मसला है, मोबाइल में मसला है, वॉइस में मसला है, पता नहीं कहाँ पे मसला है या कोई सेटिंग खराब हो गया, क्या वजह है लोगों के व्यूज आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों आप मेहनत करते जा रहे हैं और आपके व्यूज नहीं आ रहे, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना चैनल ग्रो हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चैनल डेड हो चुका है और आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जब मैंने चैनल बनाया था तो मैं भी ऐसे वक्त से ही गुजरा था, मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग को कि आपके साथ इस टाइम अभी क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपने उसको ध्यान से समझना है, पूरी एग्जांपल सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, ऐसे बीच में अंदाजा लगा के ना चले जाना कि हाँ आगे इसने यही कहना होगा। तो पहले पूरी बात सुनिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने 3 सालों का निचोड़ बताने वाला हूँ कि YouTube का सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है, आपको करना क्या है। ऐसे ही वीडियो डालते रहोगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे 2-4 साल भी गुजर जाएंगे तो व्यूज 5-10 पे ही अटके रहेंगे। सही बात बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गलती है। आप सब कुछ ठीक कर रहे हो लेकिन एक गलती है जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो वो गलती एक एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगी। दोस्तों अब मान लो आपके पास एक पत्थर है, क्या है, पत्थर। आपने पत्थर के ऊपर क्या किया, हथौड़ा मारा, एक दफ़ा हथौड़ा मारा नहीं टूटा, फिर मारा नहीं टूटा, फिर मारा नहीं टूटा, मार मार मारते रहे जिद पे अड़ गए कि भाई इसको तोड़ के ही जान छोड़नी है, ठीक है, इसकी तोड़ के जान छोड़ना। तो तोड़ते रहे, मारते रहे, एक टाइम क्या आया कि वो टूट गया, ठीक है। हो सकता है कि आपने 15 दफ़ा मारा और वो टूट गया। पूरी बात दोस्तों सुनना, अब क्या होता है कि अगर मान लो हो सकता है आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर बंदा है, वो 10 दफ़ा मारे टूट जाए, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर बंदा वो 5 दफ़ा मारे टूट जाए, लेकिन मारना आपको बार बार पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने सीखनी है, अगर आप एक दफ़ा मारो, ठीक है, और जाके कहो कि टूटा ही नहीं है यार ये, तो बैठ जाओ, और ऐसे ही ना आप जाके कहीं बैठ जाओगे, परेशान हो जाओगे, यार ये नहीं टूट रहा, बड़ा परेशान हो रहा हूँ, फिर दोबारा जाओगे, आपको अंदर से वो जो एक परेशानी, एक टेंशन के यार ये तो टूटा ही नहीं है, फिर दोबारा मारोगे, देखोगे यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये नहीं टूटना, फिर बैठ जाओगे, फिर दोबारा आओगे, फिर वो आप में एनर्जी नहीं रहेगी। एक दफ़ा मार रहे हो और ज़िद कर लिया कि इसको तोड़ के जान छोड़नी है, तो आप में एक एनर्जी रहती है, आप टेंशन नहीं लेते। जब आप टेंशन लेते हो आपकी वो सारी जो अंदर से आपका स्टैमिना है, आपकी जो एक मोटिवेशन है, एनर्जी, वो सारी ख़त्म हो जाती है, फिर वो ताकत नहीं आती। पॉइंट समझ पा रहे हैं? यूट्यूब पे क्या होता है, एक वीडियो बनाई और आप व्यूज़ देखना शुरू कर देते हो, यार 2 व्यूज़ बस, थोड़ी देर बाद हैं डिसलाइक किसी ने कर दिया, इसका मतलब वीडियो बेकार, ओ हेट कमेंट आ गया यार ये क्या मसला। तो इस तरह क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो सारी है ना वो सारी ख़त्म होती रहती है और अगली वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। अब मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। दोस्तों मेरी ऐसी काफ़ी वीडियोस हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं YouTube पे, तो तकरीबन मेरी 50 ऐसी वीडियोस होंगी जो कि शुरू में 5-10 इतने ही व्यूज़ आते थे और मैं देख देख के परेशान होता रहता था। हुआ क्या कि कोई हफ्ते बाद ना ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया कुछ वीडियोस का, और कुछ का क्या हुआ कि महीने बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। तो YouTube का सॉफ्टवेयर एक हफ्ते के अंदर ही मतलब काम करना शुरू कर देता है। तो डेली व्यूज़ देखते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको हथौड़ा मारते रहना, ये नहीं देखना कि पत्थर टूट रहा है नहीं टूट रहा, जब तक नहीं टूटता तब तक सांस नहीं लेना, वीडियोज़ डालते रहना है, जब तक कोई वायरल नहीं हो जाती तब तक सांस नहीं लेना, और ये नहीं देखना कि व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे। हाँ देखो, ज़रूर ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक है, वो ठीक है, लेकिन एक ये होता है ना कि देख के परेशान होना, वो काम आपने नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मेरी जो मैं 50 वीडियो की बात कर रहा हूँ जो कि हफ्ते बाद या महीने बाद उन पर अचानक व्यूज़ आना शुरू हुए और अभी तक उनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और उसी वजह से तो मुझे अर्निंग हो पा रही है। तो दोस्तों अगर मैंने उनमें से एक भी वीडियो बना के छोड़ दिया होता, मान लो जिस पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं वो वाली वीडियो मैंने बना के छोड़ दिया होता और YouTube पे मैं काम ना करता, तो उस पर कभी भी व्यूज़ नहीं आने थे। वो महीने बाद वायरल हुई ना,
तो महीने बाद उस पर कभी भी व्यूज नहीं आने थे, वो क्यों आए? मैंने उसको बनाया, उसके बाद उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहा, कुछ अगली वीडियो से एक आधा सब्सक्राइबर बढ़ा, कोई उससे अगली वीडियो से कुछ व्यूज आए, कुछ लोग नए जुड़े, कुछ और नए और नए और नए, तो और उसके बाद जो 50-60 वीडियोस बनी उससे जो नए लोग जुड़े को 500-1000, उन्होंने चैनल विजिट किया, उनमें से 300-400 लोगों ने उसको देखा, उसको एक धक्का लगा, चल क्यों नहीं रही है, तो इधर ही बैठ के चल चल ओ चल, तो धक्का लग के चल गई। अगर आप एक वीडियो बना के छोड़ दोगे, यार बहुत अच्छी वीडियो, बस मज़े, अब तो चल जाएगी, तो सो जाएंगे और साल बाद उठ के देखेंगे तो वहीं की वहीं पड़ी होगी। आपको उसके रिलेटेड एक ही कैटेगरी की वीडियोस बनाते रहना, एक दूसरे को ये धक्के मारती हैं वीडियो, चल चल चल, मतलब कि सजेशन में आती हैं, कभी ब्राउज फीचर में आती हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि इसको भी देखो। लोग देखते हैं, फिर वो ये साइकिल चल जाता है, फिर चल सो चल, कौन सी वीडियो पता ही नहीं चलता चल जाती है, और कौन सी वीडियो पता ही नहीं चलता कि वायरल हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह ये सीन होता है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। व्यूज़ बार बार नहीं देखने हैं, क्या पता कि हफ्ते बाद वीडियो वायरल हो, क्या पता महीने बाद वायरल हो, तो आपका काम है थोड़ा मारते रहना, वीडियो बनाओ, वीडियो पे वीडियो देखना। अब 10 दिन ऐसे करके देख लो, सिर्फ 10 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे रहा, सिर्फ 10 दिन करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप कहोगे यार भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, मज़ा आ गया यार, ऐसे तो बस सही है, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगी, ये जो रोज़ रोज़ की व्यूज़ की टेंशन है वो खत्म, बस आप काम करते रहो। ऐसे समझो जहाँ पे कहीं पे जॉब करने जाते हो, वहाँ 8 से लेके शाम 5-6 बजे तक ड्यूटी है, बस वो अपनी ड्यूटी निभाओ, बाकी छोड़ दो, करते रहो, देखना कमाल फिर 10 दिन बाद। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।